नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। मैं मौजूद हूं आज अब तक की देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपको बताने के लिए और साथ ही कुछ मुद्दों पर डिस्कशन भी करने के लिए। आज मैं बात करूंगी मॉनसून सत्र की, आज मैं बात करूंगी कोरोना वायरस की, साथ ही रांची में क्या कुछ हो रहा है, चाइना ने कैसे भारत के ऊपर सर्वे करवाया है और कांग्रेस में क्या कुछ अपडेट चल रही है। सबसे पहले कांग्रेस की खबर से शुरुआत करते हैं। खबर यह है कि गुलाम नबी आजाद ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर सभी पदों पर कांग्रेस पुनर्विचार नहीं करती है, प्रदेश के स्तर पर अगर प्रदेश महामंत्री या प्रदेश अध्यक्ष के स्तर पर अगर तुरंत विचार नहीं किया जाता है तो अगले 50 साल तक कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ेगा, क्योंकि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता हैं, तो उनकी इस बात को जरूर अहमियत दी जाएगी और उन्होंने ये बात एक इंटरव्यू में कही है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी अनु भी हैं, पर उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगी कि गुलाम नबी आजाद और तमाम तरीके के वरिष्ठ नेता, चाहे वो कपिल सिब्बल हैं, कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, उन सभी नेताओं ने अपने स्तर पर एक चिट्ठी लिखी थी कुछ दिन पहले। आप सभी को याद होगा 23 वरिष्ठ नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी कांग्रेस को, सोनिया गांधी को, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो इस अध्यक्ष पद और सभी कांग्रेस के जितने भी पद हैं उन सभी पे वो जो है पुनर्विचार करने की जरूरत है, जिसको लेकर सोनिया गांधी ने भी अपना इस्तीफे की पेशकश की थी। साथ ही इस पर बवाल हुआ था, राहुल गांधी ने 23 नेताओं को बीजेपी से मिले होने की बात कही थी, साथ ही में उसके बाद कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद ने खुले तौर पर वापस से उनको कहा था कि अगर हम कहीं पर भी बीजेपी से जुड़े हुए नजर आते हैं तो हम अपने पदों से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। इस तरीके की बयानबाजी जो है वो सामने आई थी, फिर बाद में चीजें जो है वो सेटल कर ली गई थी अपने अंदर के तौर पर ही। और फिलहाल खबर यह है कि गुलाम नबी आजाद ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर कांग्रेस के सभी पदों पर, चाहे वो राज्य स्तर पर है, उन पर अगर पुनर्विचार नहीं हुआ, अगर पूरी तरीके से उनके ऊपर डिसीजंस नहीं लिए गए, तो ये जो पूरा कांग्रेस पार्टी है इनको करीब आने वाले 50 साल तक जो है वो विपक्ष में बैठना पड़ेगा। और ये एक अहम बात हो जाती है जब आप ही की पार्टी का एक नेता जो है वरिष्ठ नेता अपनी ही पार्टी के लिए अगर इस तरीके से बोलता है तो जरूर कुछ ना कुछ आंकलन और जरूर कुछ ना कुछ सोच समझ के जो है वो ये किया जाता है। हमारे साथ अनु जी जुड़ी हुई हैं, हम उन पर जाएंगे और साथ ही मैं आपको कुछ और चीजें बता देना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर जब सोनिया गांधी ने अपना इस्तीफे की पेशकश की थी, जब मीटिंग बैठी थी पूरी CWC की और उसके बाद पूरे दिन के घमासान के बाद एंड में ये रिजल्ट निकला था कि सोनिया गांधी वापस से जो है वो अध्यक्ष पद पर बनी रहेंगी, तो इसको लेकर जो है वो सामने यही अंत में जो है कि घर की जो चीजें थी वो वापस घर में ही रही, सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष थी और वही वापस अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर अभी वो बनी हुई है अभी के तौर पर। सीधा चलते हैं अनु के पास, अनु जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अनु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरा, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि गुलाम नबी आजाद ने जो कहा है कि अगले 50 साल तक कांग्रेस पार्टी को जो है वो विपक्ष में बैठना पड़ सकता है अगर पदों पर जो है वो पुनर्विचार नहीं हुआ, तो क्या कुछ लगता है आपको उनका ऐसा कहने के पीछे क्या अभिप्राय हो सकता है? जी देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है गुलाम नबी आजाद का एक बार फिर से ये चेताना पार्टी को कि संगठन के अंदर चुनाव होने कितने जरूरी है। और जैसा पहले भी आपने जिक्र किया कि जो 23 नेताओं के द्वारा, बड़े नेताओं के द्वारा कांग्रेस की जो चिट्ठी लिखी गई थी और उसी के बाद ये पूरा बवाल CWC में देखने को मिला था, जिसके बाद राहुल गांधी का एक ऐसा तथाकथित बयान था जिसके बाद ये सभी नेता विफल गए थे, जिसमें गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल दोनों ही शामिल थे। लेकिन गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया है और उन्होंने कहा कि अगर संगठन के अंदर चुनाव नहीं होते हैं, अगर प्रदेशों के अंदर जो प्रदेश अध्यक्ष चुने जा रहे हैं अगर वो कार्यकर्ताओं, नेताओं की पसंद के नहीं होते हैं, तो वैसा ही होगा जो कि हम राजस्थान और बाकी राज्यों में देख चुके हैं। ये उनका अभिप्राय था। तो बेहद महत्वपूर्ण है उनका ये कहना कि अगर संगठन के अंदर चुनाव नहीं होते तो अगले 50 सालों तक कांग्रेस विपक्ष में ही बैठी रहेगी, क्योंकि हर एक पार्टी का मजबूत आंतरिक तौर पर होना बेहद जरूरी है। कौन से मुद्दे पार्टियां उठाती हैं इसी से ही जनता के बीच उनकी छवि बनती है और जनता ये समझती है कि क्या ये पार्टी हमारे मुद्दों को उठाने लायक है या नहीं।
अब देखिए जो मिसमैच दिखा था कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी और बाकी बड़े नेताओं के बीच में, ये मुद्दा उठाया गया था। जिस तरह गुलाम नबी आजाद ने भी कहा था कि आखिर पार्टी की क्या लाइन है ये कभी डिस्कस नहीं की जाती है, कौन से बड़े मुद्दे हैं जिन पर क्या स्टैंड रहेगा पार्टी का ये कभी डिस्कस नहीं किया जाता, और राहुल गांधी बस अपने छोटे से ग्रुप की सलाह पर ही ट्विटर पर या फिर अन्य माध्यमों से मोर्चा खोल देते हैं, जैसा उन्होंने जिक्र किया था 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे और उन्होंने चौकीदार चोर है इस तरह का नारा दिया था, जिसके बाद इन बड़े नेताओं को लगा कि ये नारा ठीक नहीं था, इसके बनस्पत ये कहना चाहिए था कि जो अच्छे दिन का वादा दिया किया गया था वो पूरा नहीं हुआ। तो ये मुद्दे थे जिन पर घेरा जाना चाहिए था मोदी सरकार को, ऐसा नहीं हुआ। यही कारण है कि 2019 में एक बार फिर से कांग्रेस को पटकनी मिली और उसके बाद कांग्रेस फिर से विपक्ष में बैठ गई। तो इसकी तरफ उनका अंदेशा ये था कि कहीं ना कहीं संगठन का मजबूत होना, नेताओं के बीच तालमेल होना और जिनका जो पद है उसके अनुसार सलाह मशवरा कर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, जो कि हमें सामने वाली पार्टी बीजेपी के अंदर बहुत साफ दिखता है। बीजेपी का संगठन मजबूत है, चाहे अनुशासन की बात हो, चाहे डिसीजन मेकिंग की बात हो, चाहे पदों का आवंटन करना हो, चाहे कार्यकर्ता को किसी भी राज्य का प्रदेश अध्यक्ष बना देना हो, ऐसे कई हमने देखे हैं, ऐसे कई घटनाक्रम देखे हैं जहां ऐसा हुआ है कि बीजेपी के अंदर आप उस नेता का नाम भी नहीं जानते लेकिन उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर उसे एक बड़ा पद दे दिया जाता है, और इसी को ही बीजेपी अपनी ताकत बताती है कि हमारे अंदर हमारे संगठन के अंदर एक लोकतांत्रिक तरीका है जिसमें सबका एक्सेप्टेंस होता है तभी उसे आगे बढ़ाया जाता है, जबकि कांग्रेस के अंदर ऐसा नहीं है। पहला ये कहा जाता है कि गांधी परिवार के जो नजदीक होते हैं, उनके करीबी होते हैं, सिर्फ उन्हें ही प्राथमिकता दी जाती है, उन्हें ही पदों से नवाजा जाता है, चाहे उनकी काबिलियत हो या ना हो। और जिस बात का आपने जिक्र किया था, गुलाम नबी आजाद ने जो अपनी बात में कहा, उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि अगर आप संगठन के चुनाव नहीं कराते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि चुनाव ना कराने से सिर्फ कुछ दो या तीन लोगों का समर्थन ही एक नेता को प्राप्त है और वो बड़े पद पर चला जाता है। अगर चुनाव होंगे तो कम से कम 51 लोगों का समर्थन, 51% जो समर्थन है वो होना उस विजयी कैंडिडेट के लिए बहुत जरूरी होगा, और अगर वो ये समर्थन पाकर जीतता है इसका मतलब है कि उसका होल्ड है अपने उस क्षेत्र में नेताओं और कार्यकर्ताओं के ऊपर, तभी वो उस पद पर पहुंचा है। तो ऐसे में उसी नेता का चुनाव होना चाहिए जिसके पास समर्थन हो, और कांग्रेस की जो वीकनेस है वो यही है, जिनके पास समर्थन नहीं है वो भी गद्दी पर बैठे हुए हैं, उन्हें भी पद मिले हुए हैं, यही वजह है कि नीचे के खेमे में असंतोष रहता है। और जगह जगह हम ये देखते हैं कि कभी विधायक टूटते हैं तो कभी नेता बिफर जाते हैं, कभी प्रदेश अध्यक्ष को कोई स्वीकार नहीं करता है, कभी उनके कहे को माना नहीं जाता है। तो ये अव्यवस्था कांग्रेस के भीतर संगठन के अंदर है, यही वजह है कि गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया है कि संगठन के अंदर चुनाव होने कितने ज्यादा जरूरी है। और आपको याद होगा कि जब इससे पहले चिट्ठी लिखकर ये सभी नेताओं ने कहा था, तब उन्हें कह दिया गया था तथाकथित तौर पर राहुल गांधी की तरफ से कि ये बीजेपी से मिले हुए हैं और बीजेपी के चलते ही उनके कहे अनुसार ही या फिर उनके सलाह मशवरा, उनके षड्यंत्र के कारण ही इस तरह से पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की गई है, जिसके बाद गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल काफी गुस्सा हो गए थे और उन्होंने कहा था कि अगर ये सिद्ध हो जाता है कि वे बीजेपी से मिले हुए हैं तो वे अपने सभी पदों से इस्तीफा दे देंगे। गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि वे पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे देंगे, जो कि फिलहाल राज्यसभा में नेता विपक्ष है कांग्रेस की तरफ से। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुद्दा अब कितना गंभीर कांग्रेस के लिए बनता जा रहा है, और ये स्टेज कहा जा रहा है, जैसे हम वरिष्ठ पत्रकारों से भी या और भी लोगों से जब बात करते हैं तो वो भी कहते हैं कि ये जो समय है ये कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और ये स्थिति बनना भी बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद कांग्रेस के अंदर वो निखार नहीं आता जो आने की जरूरत है, जिससे कि वे अपने सर्वाइवल के बारे में सोच सके, वो एटलीस्ट सर्वाइव कर सके। तो एक बार फिर से गुलाम नबी आजाद का ये स्टेटमेंट देना बहुत मायने रखता है। जी जी अनु, और साथ ही जैसा आपने बताया कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होने की बेहद जरूरत है, और जब लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होंगे तभी जो है वो सही कैंडिडेट जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर से स्पेसिफिक पोस्ट के लिए जो है वो निकल कर आएगा। साथ ही गुलाम नबी आजाद ने यह भी कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं इस लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने के, वो लोग न सिर्फ पार्टी, न सिर्फ देश का क्या कहते हैं इस चीज नुकसान कर रहे हैं, उनका ये भी कहना था साथ में कि उन लोगों को अपने पद के खोने का डर भी है। तो क्या उनका किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर क्या कुछ निशाना था, या हम ये माने, या फिर जो है उनका कहना कि जो लोग चुनावों का विरोध कर रहे हैं वो लोग जो हैं वो सीधे तौर पर अपने पद खोने का जो है
जी देखिए भारती, ये उनको बात डर है। सही है, ये बात सही है। एक डिवीजन है, एक डिवीजन दो चीजों को लेकर है। एक तो जो हम बात करते हैं ओल्ड ब्रिगेड और यंग ब्रिगेड की, कुछ राहुल गांधी की पसंद के नेता होते हैं जिन्हें मनचाहा पद मिल जाता है, और कुछ सोनिया गांधी के कुछ वफादार होते हैं, पुराने ऐसे नेता होते हैं जो हमेशा उनके साथ रहे हैं और उन्हें उनका मनचाहा पद मिल जाता है। और दूसरी चीज यहाँ पर ओल्ड ब्रिगेड और यंग ब्रिगेड की रही है, और दूसरा गांधी समर्थन और नॉन गांधी। कुछ देखिए हर पार्टी में ये होता है कि जहां कहीं ना कहीं नेतृत्व के खिलाफ आक्रोश रहता है अलग अलग, और ये होना एक हेल्दी पॉलिटिक्स ही इसे माना जाएगा। तो इस तरह दो तरह के धड़े हैं जो कि एक यंग ब्रिगेड और ओल्ड ब्रिगेड में बटा हुआ है, और दूसरा जो चाहते हैं कि पार्टी के अंदर कोई नॉन गांधी लीडर भी होना चाहिए, ऐसे भी समर्थन रखने वाले कई लोग हैं। और कई लोग सिर्फ बार बार सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अंदर ही अपना विश्वास देते हैं और उन्हें ही अपने नेता के तौर पर, अपने लीडर के तौर पर देखा जाता है। तो यही वो एक असंतोष है जिसके बाद हम ये तस्वीर उभरती देख रहे हैं, जिसमें गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि सर्व जो लोग काबिल होंगे सिर्फ उन्हीं का ही चुनाव होना चाहिए, उन्हीं को ही पद मिलना चाहिए, और अगर काबिल लोग आगे बढ़ेंगे तभी पार्टी का भला होगा। क्योंकि देखिए बढ़ेगा कौन चुनावों के साथ, जिनका होल्ड होगा, जो कि राजनीति, जो कि उस क्षेत्र के राजनीति से जुड़े हुए मुद्दों को जानते होंगे, और अगर वो उन मुद्दों से रूबरू हो जाएंगे तो फिर वो अपनी बात को भी अच्छे से रख पाएंगे। तो ये एक एक पूरा स्ट्रक्चर है जिसे अगर बीच में ही आप काट दें या फिर अगर उस स्ट्रक्चर को, उस हायरार्की को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर इस तरह की अव्यवस्था होगी जो कि इस वक्त कांग्रेस के भीतर है। और इसी की तरफ अब कांग्रेस के ये जो बड़े और दिग्गज नेता है ये उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी अभी भी नहीं संभली तो कभी सत्ता में वापसी नहीं हो पाएगी, वो नामुमकिन होगी। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, और साथ ही गौर की बात ये भी है कि गुलाम नबी आजाद ने ये जो बात कही है, ये जो इंटरव्यू में उन्होंने अपने बयान दिए हैं, ये सिर्फ कांग्रेस कमेटी की जो बैठक हुई थी, सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हुई थी उसके जस्ट 3 दिन बाद ही उन्होंने अपना ये बयान दिया है, और उस समय ये बात क्लियर हो गई थी कि शाम तक होते होते मीटिंग के ये बात आ गई थी सामने कि सोनिया गांधी ही अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। अब वापस से 3 दिन बाद गुलाम नबी आजाद का ये बयान देना, हालांकि कांग्रेस पार्टी के लिए उनकी तरफ से देखा जाए तो एक तरीके से सही है कि अगर लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी मंत्री चुनकर आएगा तो वो जनता का भी जरूर चाहने वाला होगा, तभी वो चुनकर आएगा और तभी वो अपने आप को अच्छे से लोगों के सामने जो है वो रख पाएगा। तो सिर्फ 3 दिन बाद ये जो है बयान आ जाना थोड़ा सा इसलिए अटपटा इसलिए लग रहा है क्योंकि 3 दिन पहले ही अगर आपने चिट्ठी लिखकर, हालांकि एक हफ्ते पहले जो है वो चिट्ठी लिखकर ये बात कही गई थी और एक हफ्ते बाद फिर मीटिंग हुई और उसके 3 दिन बाद अब ये गुलाम नबी आजाद का बयान आया, तो ये चीज पहले भी इसमें जो सामने आ सकती थी उसमें महत्वपूर्ण, हाँ जी महत्वपूर्ण बात ये है कि ऐसा गाहे बगाहे ये चीजें आती रही हैं और 3 दिन बाद एक बार फिर से उसी बात को दोहराना कांग्रेस के नेताओं का, वो इस बात की तरफ भी अंदेशा करता है कि कैसे 3 दिन पहले ये महत्वपूर्ण बात कही गई सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के अंदर, जो कि ये बैठक ही इसीलिए बुलाई गई थी कि जो नेता है वो आपस में विचार विमर्श करे, वहां इसे ठीक ढंग से टैकल नहीं किया गया, इसी वजह से ये मुद्दा अभी भी जीवित है, उस पर बात नहीं की गई। बस इसे इस तरह से देखा गया कि क्या ये किसी का षड्यंत्र तो नहीं है, क्या ये पार्टी को, नेताओं को बदनाम करने की कोशिश तो नहीं है, और इसे ठीक ढंग से टैकल नहीं किया गया। यही वजह है कि गुलाम नबी आजाद को इस बात को दोबारा से कहना पड़ा है, इस बात को दोहराना पड़ा है। अगर इसे वहीं पर ही सॉर्ट कर लिया जाता, वहीं पर ही इस पर मंथन किया जाता, चर्चा की जाती और उनकी बात को तवज्जो देकर आगे इस पर एक्शन लिया जाता तो शायद ये बात दोबारा दोहराई नहीं जाती। तो गुलाम नबी आजाद का बयान ये भी बताता है कि किस तरह से सीडब्ल्यूसी की बैठक में जो चिट्ठी को लेकर, खास तौर पर चिट्ठी को लेकर की ये बैठक बुलाई गई थी, उसके बावजूद जो कोर मसला था उस पर बात ही नहीं की गई और ना ही उस पर कोई हल ढूंढा गया। यही वजह है कि गुलाम नबी आजाद को ये बात फिर से कहनी पड़ी है। उस समय बस पार्टी को ये लगा, राहुल गांधी को ये लगा कि शायद इस बयान के आने से, कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जिन्होंने चिट्ठी लिखी है वो बीजेपी से मिले हुए हैं, कहीं इससे पार्टी की नेताओं की छींचा लेदर ना हो जाए, इस वजह से रूठों को मना लिया गया। लेकिन उस मुद्दे को जो कि जड़ थी उसका काम नहीं किया गया, उस पर नहीं की गई, इस वजह से ये अभी भी जिंदा है। और राहुल गांधी या फिर बाकी के कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, अगर इस मसले पर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्य मुद्दा है कांग्रेस के पतन का, जब जब कांग्रेस चुनाव हारती है, कांग्रेस की कहीं सरकार गिरती है तो उसके आत्ममंथन किए जाने पर सवाल उठते हैं कि आखिर कांग्रेस क्यों नहीं संभल रही, क्यों नहीं ये जान रही है कि क्या उसकी खामियां हैं, कहां पर गलती हो रही है, चाहे मुद्दों को उठाने, चाहे नेताओं को संभालने को लेकर।
तो कांग्रेस कभी भी उस पर डील नहीं करती। यही वजह है कि बार बार ये चीजें एक लूप में घूमती रहती हैं, और एक बार फिर से गुलाम नबी आजाद का ये कहना उसी की तरफ इशारा करता है। जी जी बिल्कुल अनु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बिल्कुल ठीक बात है कि गुलाम नबी आज़ाद ने अगर ये बात कही है तो अब ये देखने वाली बात होगी, गौर करने वाली बात होगी कि किस तरीके से इस मुद्दे को जो है वो आगे लेके जाया जाएगा। और ये खबर कांग्रेस से थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि मानसून सत्र की है। और इस खबर में ये है कि 14 सितंबर से, आने वाले 14 सितंबर से मानसून सत्र शुरू होने वाला है। और इसके शुरू होने से पहले ही जो है करीब 22 विपक्षीय पार्टियों ने जो है वो मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करने वाली है, और एक मीटिंग जो है ये लोग बुलाने वाले हैं। इस विपक्षी दल की जो मीटिंग होगी, 22 विपक्षी दलों की जो मीटिंग होगी, इसमें ये तमाम तरीके के मुद्दे जो है वो अपने मीटिंग में लेकर आएंगे, जिसमें वो कोरोना से लड़ने की, चाहे वो कोरोना से लड़ने की बात हो, चाहे फरवरी में सांप्रदायिक दंगे जो हुए थे, दिल्ली में जो हिंसा हुई थी, चाहे वो मुद्दा हो जिसमें कि करीब 53 लोगों की जो है वो जान गई थी। तो तमाम तरीके के मुद्दों पे जो है वो डिस्कशन किए जाएंगे, और पूरी तरीके से मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी, जिसमें सोनिया गांधी ने भी कहा है कि सोनिया की 21 दिन में कोरोना को खत्म करने की जो एक नीति थी मोदी सरकार की, उसका क्या हुआ, वो तो पूरी तरीके से विफल हो गई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फरवरी में जिस तरीके से दिल्ली में हिंसा हुई थी, उसमें 53 लोगों की मौत हुई थी, तो ये एक बड़ा आंकड़ा था कि देश की राजधानी में अगर 53 लोगों की मौत हो रही है तो केंद्र सरकार क्या कर रही है, क्या उन्होंने किया है। साथ ही सोनिया गांधी ने बहुत से अलग मुद्दों पे जो है वो अपने बयान दिए, और साथ ही अब जो है ये पूरी 22 जो पार्टियां हैं ये मिलकर जो है वो एक वर्चुअल तरीके से मीटिंग करने वाली है मानसून सत्र से पहले, ताकि कई बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो निकल कर आए और पूरी तरीके से मोदी सरकार को घेरा जाए। और साथ ही मैं बता दूं आपको कि 14 सितंबर से मानसून सत्र होने वाला है, तो उससे पहले ही ये वर्चुअल मीटिंग जो है वो 22 पार्टी विपक्षी पार्टियां जो है वो करेंगी। साथ ही सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री के को 20 लाख करोड़ रुपये का जो उन्होंने एक ऐलान किया था कोरोना से लड़ने के लिए, देश की जनता के लिए अलग अलग स्तर पर जो है वो इस पैसे को डिवाइड किया जाएगा, और फिर जो है वो पूरी तरीके से राहत और बचाव का काम जो है वो किया जाएगा कोरोना के आधार पर। तो इसको लेकर भी सोनिया गांधी ने निशाना साधा और बोला कि क्या हुआ उसका, क्या हुआ हिंसा जो दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा हुई, क्या हुआ कोरोना को 21 दिन में मात देने वाली बात का। तो ये सब चीजें जो है ये सब मुद्दे होंगे, साथ ही अर्थव्यवस्था को लेकर जरूर घेरेगी ये विपक्षी पार्टियां, और साथ ही देश में जो है वो नौकरियों का क्या हाल है, हर दिन जो है वो लाखों लोगों की नौकरियां जो है वो खतरे में हैं, नौकरियां जा रही हैं लोगों की। तो ये तमाम मुद्दे हैं देश के, जिन पर जो है वो ये 22 विपक्षी पार्टियां जो है वो वर्चुअल मीटिंग करेंगी मानसून सत्र से पहले, जो कि 14 सितंबर को है, और उसके बाद जो है वो पूरी तरीके से इसको घेरने की कोशिश जो है वो की जाएगी। और आगे अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर हमारी कोरोना से रिलेटेड है। कोरोना जो है अब हमारे देश में जो आंकड़ा है कोरोना का वो 34 लाख के पार पहुंच गया है, जो कि एक बेहद गंभीर मुद्दा है। और आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों में करीब 1.5 लाख के आंकड़ा जो है वो सामने आया है, 1.5 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले जो है वो बहुत धीरे धीरे, मतलब बाकी देशों के, अगर हम बाकी देशों से तुलना की जाए तो धीरे धीरे जो है वो कोरोना संक्रमण बढ़ रहा था, पर क्योंकि पिछले 2 दिनों में 1.5 लाख का संक्रमण जो है वो सामने आया है, तो ये एक गंभीर मुद्दा है, गंभीर विषय है, क्योंकि हर दिन जो है वो नया आंकड़ा जो है वो कोरोना छू रहा है, लोगों की मौत हो रही है, इसमें इफेक्ट हो रहे हैं लोग। इसी को लेकर जो है पश्चिम बंगाल में एक फैसला लिया गया है। पश्चिम बंगाल में जो है वो लॉकडाउन की कुछ तारीख जो है वो सामने रखी गई है। उन तारीखों में मैं आपको वो तारीख जरूर बता देना चाहूंगी, 21 अगस्त 7 सितंबर 11 सितंबर और 12 सितंबर की जो तारीख है ये तय की गई है लॉकडाउन के लिए पश्चिम बंगाल में, जो कि ममता बनर्जी ने तय की है। हालांकि ममता बनर्जी की तरफ से हर बार जो है वो लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, कई बार हमने देखा है कि अलग अलग डेट्स दी गई हैं, अलग अलग तरीके से हफ्ते के लिए या महीने के लिए इस तरीके से बढ़ा गया लॉकडाउन में, और अब फिर वापस से जो है वो लॉकडाउन बढ़ाने के लिए कुछ स्पेसिफिक डेट्स जो है वो सामने रख दिए। मैं वापस से आपको वो डेट बता देती हूँ पश्चिम बंगाल की, 31 अगस्त 7 सितंबर 11 सितंबर और 12 सितंबर की जो तारीख है, ये करीब 4 तारीख जो है वो लॉकडाउन के लिए रखी गई है। अब इन तारीखों का और इस लॉकडाउन का क्या असर होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जब ये लॉकडाउन जो है वो
लॉकडाउन जब ये जो लॉकडाउन की तारीख है जब ये निकल जाएंगी इसके बाद पता चलेगा कि इसका क्या असर हुआ है। साथ ही कोरोना से रिलेटेड एक और खबर इसमें ये भी है कि दिल्ली सरकार में सत्येंद्र जैन ने कहा था कि हमें केंद्र सरकार जो है वो रोक रही है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग ना करवा पाए, जिस पर केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है कि नहीं, हमारी तरफ से रोका नहीं गया था, बल्कि हम लोगों ने 4000 जहां पर जब कोरोना संक्रमण बढ़ना शुरू हुआ था दिल्ली में, उस वक्त दिल्ली में हर दिन 4000 टेस्ट हुआ करते थे, पर हमारे एफर्ट्स की वजह से, हमारे डिसीजंस की वजह से जो है वो अब जो कोरोना के जो टेस्ट हो रहे हैं हर दिन वो करीब 18000 तक पहुंच गए, यानी कि 4000 से 18000 तक पहुंच गए। ये गृह मंत्रालय ने कहा है अपने एक ट्वीट में बताते हुए, सत्येंद्र जैन को जवाब देते हुए, कि क्योंकि सत्येंद्र जैन ने खुद ये बात कही थी, एक चिट्ठी लिखकर कहा था कि केंद्र सरकार जो है वो हमें घेर रही है, हमें जो है वो टेस्टिंग करने से रोक रही है। तो कोरोना से जो कोरोना को लेकर बंगाल में जिस तरीके से अब लॉकडाउन की तारीखों का ऐलान किया गया है, साथ ही गृह मंत्रालय की तरफ से ट्वीट करके बताया गया है कि नहीं, दिल्ली में जो भी संक्रमण फैल रहा था, जिस समय ये संक्रमण फैल रहा था उस समय जो उन लोगों ने अपने डिसीजंस लिए, उन डिसीजंस की वजह से जो है वो 4000 से 18000 तक कोरोना का जो टेस्टिंग है वो बढ़ा दी गई, और ये खुद गृह मंत्रालय की तरफ से ट्वीट किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि रांची से है। ये खबर रांची से है। रांची आरजेडी नेता जो है तेज प्रताप यादव रांची के एक होटल में ठहरे थे, जिसकी वजह से होटल मालिक और होटल के जो मैनेजर हैं उनके ऊपर FIR दर्ज कर ली गई है। आपको बता दें कि इस होटल का नाम कैपिटल रेजिडेंसी है। इसके जो मैनेजर हैं और जो मालिक हैं होटल के, उनके ऊपर FIR हो गई है। क्या वजह है, क्यों FIR हुई है, सिर्फ होटल में रुकने से FIR क्यों हो गई तेज प्रताप यादव की, ये मैं आपको बताती हूँ। तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए गए थे, और उस समय जब वो उनसे मिलने के लिए गए तब क्योंकि वो एक हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वहाँ पर उस होटल में और उन्होंने रघुवंश प्रसाद जो नेता हैं उनके खिलाफ तेज प्रताप यादव ने कुछ बोला था, जिसको लेकर लालू प्रसाद यादव जो हैं वो उनसे गुस्सा थे, और वो गुस्सा थे इसी वजह से उन्होंने तेज प्रताप यादव को बुलाया खुद से मिलने के लिए। और जब वो वहाँ पहुँचे तो वो एक होटल में ठहरे, और क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वहाँ पर 31 जो है अगस्त तक झारखंड में जो है लॉकडाउन लगा हुआ है, और उस लॉकडाउन का जो है वो उन्होंने उल्लंघन किया, और उनके लिए स्पेशली जो है वो होटल खोला गया, उस लॉकडाउन का उल्लंघन ही हुआ, और उस उल्लंघन के कारण ही जो है वो होटल मालिक और साथ ही होटल मैनेजर पे FIR दर्ज की गई है। आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन का उल्लंघन जो है अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम है। इस वक्त देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, और ऐसे वक्त में अगर किसी नेता की वजह से स्पेशल तौर पर जो है वो अगर ये लॉकडाउन का उल्लंघन किया जाता है या कोई होटल खोला जाता है तो लाजमी है कि उसके होटल मैनेजर और होटल के मालिक के ऊपर FIR ज़रूर की जाएगी। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि चाइना से है। आपको बता दें कि चाइना ने हिंदुस्तान के ऊपर, भारत के ऊपर एक सर्वे करवाया है। उस सर्वे में क्या है मैं आपको बताती हूँ। इस सर्वे में ये है कि जब से गलवान घाटी में और तमाम तरीके की जो बहस देश में चल रही है, और बॉर्डर पर LAC पर जितनी जो तकरार हिंदुस्तान की आर्मी और चाइना की तरफ से जो भी तकरार चल रही है उसको लेकर एक हर दिन एक नया जो है वो सामने घमासान तरीके से विरोध जो है वो सामने आता है, चाहे वो चाइना की तरफ से है चाहे वो हिंदुस्तान की तरफ से है। अब चाइना ने, क्योंकि इस गलवान घाटी में जो भी कुछ हुआ है, हमारे जवान शहीद भी हुए, जो भी चीज़ें हुई उन सबको लेकर हिंदुस्तान ने पूरी पुरजोर तरीके से जो है वो चाइना के प्रोडक्ट्स का, चाइना के ऐप्स का, चाइना की तमाम चीज़ों का जो है वो विरोध करना शुरू किया। उसे लेकर चाइना ने एक सर्वे करवाया हिंदुस्तान पर, जिसमें उनको सर्वे में यह दिखाई दिया कि मोदी सरकार को, मोदी को, पीएम मोदी को वहां के करीब 51% लोग पसंद करते हैं। यह अपने आप में बड़ी बात थी कि चाइना के लोग मोदी सरकार को, मोदी को 51% लोग जो चाइना के हैं वो पसंद करते हैं। साथ ही 90% लोग जो हैं वो क्योंकि वो एक देश के नागरिक हैं तो वो अपने देश के खिलाफ जो चीज़ें हो रही हैं उसके विरोध में ज़रूर खड़े होंगे। तो 90% लोग जो गलवान घाटी में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके अगेंस्ट थे, यानी उसके विरोध में थे।
तो जब ये पूरा सर्वे कराया गया तो उस पर चाइना की तरफ से एक एक बड़ी न्यूज़पेपर में, जो चाइना का बहुत मुख्य पत्र है, समाचार पत्र है, उसमें जो है वो इसको प्रिंट करवाया गया और फिर बाद में उसको जो है हटा लिया गया और सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स जो हैं वो रखे गए। तो चाइना का सर्वे जो है वो ज़रूर इस बात को क्लियर करता है कि किस तरीके से चाइना के लोग भी हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान को, मोदी सरकार को पसंद करते हैं। और सर्वे करवाने का एक और बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि किस तरीके से उनकी अर्थव्यवस्था पर भी हमारी तरफ से किए गए विरोध से क्या इफेक्ट पड़ा है और कितने कितने प्रतिशत जो है वो चीजें जो है वो बदल गई हैं जब से गलवान घाटी में ये जो संघर्ष हुआ, जिस तरीके से वहां पर दोनों सेनाओं के बीच में तकरार हुई, उसको लेकर जिस तरीके से हिंदुस्तान में ऐप्स का विरोध किया गया, तमाम तरीके की उनके प्रोडक्ट्स का विरोध किया गया, तो किस तरीके से उनकी अर्थव्यवस्था पर और उनकी चीज़ों पर इसका इफेक्ट पड़ा होगा, इसे लेकर ये सर्वे भी था। साथ ही उसमें यह भी निकल आया कि किस तरीके से चाइना के लोग भी हिंदुस्तान को, मोदी सरकार को, पीएम मोदी को पसंद करते हैं। तो ये देश और दुनिया की तमाम खबरें थी जो हमने आपसे डिस्कस की, जिसमें मानसून सत्र था, गुलाम नबी आज़ाद ने क्या कुछ बयान दिया ये था, साथ ही चाइना ने जो सर्वे करवाया वो था, कोरोना का क्या हाल है, सतेंद्र जैन ने क्या कहा, गृह मंत्रालय ने उस पर क्या रिएक्शन दिया, साथ ही बंगाल में लॉकडाउन की जो तारीखें आई और तमाम तरीके की जो बड़ी खबरें हैं उन पर हमने आपसे डिस्कशन किया। और ये जो खबरें थी ये अभी तक का अपडेट था। तमाम अपडेट जो अब इन खबरों पर आते रहेंगे और जो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आज रहने वाली हैं उन सभी खबरों पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और फिलहाल के लिए भारती सिंह की तरफ से, जनसत्य न्यूज़ की तरफ से शुक्रिया।